नमस्कार दोस्तों, TNNA में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि अगर आपके पास मोडेम नहीं होता है तो आप किस तरह से PC में नेट चला पाएंगे। मतलब कि अगर आपके पास कोई भी मोडेम नहीं होता है, मोडेम PC में चलाने के लिए, नेट इंटरनेट चलाने के लिए इस मोडेम का यूज होता है, लेकिन अगर आपके पास ये मोडेम इंटरनेट चलाने के लिए PC के लिए नहीं है मोडेम, तो आप किस तरह से चला पाएंगे इंटरनेट अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे अगर आपके पास एक स्मार्टफोन हो जिसमें कि UTG सपोर्ट होता हो। UTG सपोर्ट क्या होता है? UTG सपोर्ट होता है कि अगर आपके पास ये इस तरह का केबल है और इसमें पेन ड्राइव हमने लगा दिया है और इस तरह का UTG केबल है जिसको हम यहाँ पे इसमें लगा देंगे और लगाने के बाद यहाँ पे हम इस ड्राइव का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह का क्वालिटी अगर आपके मोबाइल में है तो आप इंटरनेट का भी मज़ा उठा सकते हैं। कैसे देखेंगे हम। सबसे पहले आपको क्या क्या ज़रूरत है ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप जिस सिम से आप नेट चलाना चाहते हैं उस सिम को अपने मोबाइल में, इस मोबाइल में लगा दीजिए, ठीक है। लगाने के बाद उसके बाद आपको एक चीज़ की आवश्यकता होगी, USB केबल। USB केबल आपके में होना ज़रूरी है, ठीक है। तो USB केबल आप मार्केट से ख़रीद सकते हैं या फिर चार्जर में भी दिया रहता है तो आप वहां से ले सकते हैं। तो कैसे करेंगे हम इसको, हम देखते हैं कि कैसे हम नेट चला पाते हैं। काम होता है कि आप सबसे पहले अपना PC को आप ओपन कर लीजिए, अपना कंप्यूटर जो है आप पहले ओपन कर लीजिए, उसके बाद ये आपका मोबाइल जो है, स्मार्टफोन, इसको आप ये USB केबल जो है इससे आप इसका पहला एंड वाला, ये वाला इस तरह का एंड जो है इसको आप यहाँ पे इसमें लगा दीजिए। तो मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया है इस तरह से, और लगाने के बाद इसका जो दूसरा एंड है, हमारे पास ये वाला एंड जो है, ये वाला एंड को हमको PC में इसको लगा देना है। तो PC में लगाते हैं, तो ये देखिए, ये PC में यहाँ पे इसको लगा दीजिए, इस तरह से फिक्स कर दीजिए। और यहाँ पे आपका स्मार्टफोन का यहाँ पे कुछ ओपन का पॉपअप आएगा, इसको आप काट दीजिए। काटने के बाद अब आप सीधा जाइए अपने मोबाइल पे, और मोबाइल पे जाने के बाद यहाँ पे ऊपर में सेटिंग्स में जाना है आपको। सेटिंग्स में जाइए, सेटिंग्स में जाने के बाद आप सबसे ऊपर जाएंगे और यहाँ पे मोर में जाना है। मोर में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पर्सनल हॉटस्पॉट, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन बहुत सारे मिल जा रहे होंगे कि यहाँ पे पोर्टेबल VLAN हॉटस्पॉट, इसको अगर ऑन कीजिएगा तो आपका वाईफाई स्टार्ट हो जाएगा, इस मोबाइल का वाईफाई। तो उस तरह से आप वाईफाई शेयर कर पाएंगे अपने नेट, इसमें अगर नेट है तो दूसरे को आप नेट दे सकते हैं। और उससे सेकेंड वाला ऑप्शन है ब्लूटूथ थ्रेसरिंग, इससे आप ब्लूटूथ से भी कनेक्शन इंटरनेट दूसरे में भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और सबसे पहला ऑप्शन है USB थ्रेसरिंग, इस ऑप्शन को ऑन जैसे ही करेंगे तो आपके कंप्यूटर में जो नेट नहीं आ रहा होगा, अब इस मोबाइल से नेट चलने लगेगा PC में। तो यहाँ से हम सबसे पहले हम अभी ऑन नहीं करेंगे, हम PC में जाते हैं और देखते हैं इंटरनेट अभी चल रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी नो कनेक्शन है, ये देखिए यहाँ पे नो कनेक्शन है। और यहाँ पे हम जैसे ही हम इधर आएंगे और यहाँ पे हम USB थ्रेसिंग को ऑन जैसे ही करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये घूमने लगा और इंटरनेट एक्सेस आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ये ले रहा है, क्यों? क्योंकि आपने यहाँ से डाटा ऑन नहीं किया है। मैंने यहाँ देखिए सिम में यहाँ पे डाटा ऑन नहीं किया है, तो यहाँ से हम डाटा ऑन कर लेते हैं, यहाँ से डाटा ऑन, और इसको बता देते हैं। और ये यहाँ से हम डाटा ऑन कर लिया। अब देखिए यहाँ पे जो
इंटरनेट एक्सेस नहीं आ रहा है। अब हम यहाँ पे ब्राउज़र में पहले यहाँ से हम रिफ्रेश करेंगे तब यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए लगभग यहाँ पे आ गया, अब क्लियर एक्सेस बता रहा है कि आपका इंटरनेट एक्सेस हो गया है, अब आप चला सकते हैं। तो ये देखिए हम गूगल खोलते हैं यहाँ पे। यहाँ से हम गूगल खोल लिए। ये देखिए हमारा जो गूगल है वो खुल गया। अब आप जो भी टाइप करेंगे यहाँ पे, कुछ भी आप टाइप करेंगे तो यहाँ से आप ले सकते हैं। ये देखिए एकदम स्पीड चलने लगा, जैसा आपका मोबाइल में जैसा स्पीड होगा उसी तरह से यहाँ पे आपका चल पाएगा। तो इस तरह से आप मज़ा उठा सकते हैं। अगर आपके पास मॉडेम नहीं होता है तो आप इस तरह से नेट का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो वाकई में अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।